हेलो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग पे। और आज के इस व्लॉग में मैं आया हूँ वैशाली बिहार, और इस जगह पे बहुत सारा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है जो मैं आप लोग को दिखाने लाया हूँ इस व्लॉग पे। तो चलिए बने रहे मेरे व्लॉग पे, चलिए चलते हैं। शांति स्तूप टेम्पल जाते वक्त आप लोगों को दोनों साइड में बुद्धा स्टैचू बेचने वाली दुकान और फास्ट फूड का दुकान देखने को मिल जाएगा, और इसमें विजिटिंग का कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो इस टेंपल के अंदर पे चार प्रतिमा है, एक बचपन, दूसरा ज्ञान जब बुद्ध ले रहे थे, तीसरा ज्ञान की प्राप्ति, और चौथा यहाँ पे जब उनका देहांत हो गया था। तो चार प्रतिमा है, चार का अलग अलग मतलब है। और यहाँ पे वैशाली का ये जो टेंपल है, यहाँ पे गिटार और कैमरा आपको भाड़े पे दिया जाता है। गिटार लेके आप फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर उसको बजा सकते हैं, और कैमरा अपना फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहीं पे है ये गिटार, और यहीं पे आपको कैमरा मिल जाएगा, इसके ठीक बगल में है। तो यहाँ 200-300 में आप यहाँ से कैमरा भाड़े पे ले सकते हैं और अपना फोटोग्राफी कर सकते हैं, और गिटार भी बजा सकते हैं अगर आपको बजाना आए तो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैशाली के म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम मेरे ठीक पीछे है। तो इस म्यूज़ियम में चलते हैं और देखते हैं इस म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो खैर, ये म्यूज़ियम का टिकट है, म्यूज़ियम आप घूम सकते हैं, लेकिन कैमरा अंदर पे अलाउ नहीं है। चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है, उसके बाद आके बाहर में आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे क्या क्या अंदर में म्यूज़ियम में रखा गया है। तो खैर, ये वैशाली का आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम है, यहाँ पे आपको कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और यहाँ पे आपका जो अशोक स्तंभ से खुदाई के वक्त पे जितना कुछ मिला है, यहाँ पे खिलौना से लेके जितना कुछ, वो सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। और एक चीज़ है, फ्राइडे को ये म्यूज़ियम क्लोज रहता है, और 10 रुपये इसका प्राइस है। 15 साल से नीचे बच्चे जो रहते हैं उसका एंट्री फ़ी है, और बाकी सब जो बड़े हैं उनसे उनका 10 रुपये यहाँ पे चार्जेस लगता है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं चाइना टेंपल, ठीक मेरे पीछे है। यहाँ पर भी जाना अलाउ नहीं है अभी, पता नहीं क्यों अलाउ नहीं है। और यहाँ पे बुद्धा गेस्ट हाउस भी बन रहा है, सभी टूरिस्ट लोग के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह बहुत सारा यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे भी बन रहा है। और मैं ये टेंपल का आप लोग को व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं दूसरे लोकेशन पर। अशोका स्तंभ विजिट करते वक्त भी आप लोगों को दोनों साइड बुद्धा स्टैचू बेचने वाली दुकान देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे पार्किंग का भी इंतज़ाम किया गया है। ये है टिकट काउंटर, तो चलिए टिकट लेने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं। हम लोग आ चुके हैं मेन लोकेशन पे, अशोक स्तंभ, जिसे यहाँ के लोग भीम सिंह का लाठी भी कहते हैं, पता नहीं मुझे वो लोग ये क्यों कहते हैं। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 25 रुपये, हम लोग दो लोग आए हैं तो 50 रुपये इसका पड़ा है, 25-25, 50 रुपये। और अगर फॉरेनर आते हैं तो आपको 300 रुपये देने पड़ते हैं। तो इंडियंस के लिए यहाँ पे 25 रुपये लगाया गया, फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे 300 रुपये लगाया गया। अब आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाते हैं, चलिए व्यू का मजा लीजिए।
मेरे पीछे टोटल ये जितना कुछ देख रहे हैं ये सब गौतम बुद्ध के लिए बनाया गया था बानरों के द्वारा। और यहाँ पे गौतम बुद्ध बहुत साल रहे थे और उसके बाद में यहाँ पे एक रानी थी अमरपालिका, उसे भी गौतम वृक्षु धर्म में उन्हें कन्वर्ट किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो ये है अशोक स्तंभ और वो वहाँ पे आप देख रहे हैं वो है अशोका पिलर जिसकी लंबाई है 11 मीटर। और उसके बाद में ये बानरों के द्वारा गौतम बुद्ध के लिए बनाया गया था स्मारक, और ये भी बानरों के द्वारा गौतम बुद्ध के लिए बनाया गया था। और ये जो कुंड है इसकी लंबाई लगभग है 65 मीटर और 35 मीटर इसकी चौड़ाई है। और आगे एक कुंड है वहाँ पे, वहाँ वो है राम कुंड, वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। और ये कुंड है ये भी बानरों के द्वारा ही बनाया गया था गौतम बुद्ध के लिए। तो दोस्तों अशोका पिलर के बगल पे ही यहाँ पे गार्डन है, बहुत ही अच्छा गार्डन है, बगीचा, यहाँ पे आप खेल सकते हैं और एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगाया गया है, खूबसूरती का ध्यान रखते हुए यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगाया गया है। और उसके बाद में ये जो अशोक स्तंभ है यहाँ पे आप बस यहाँ पे आप जो ये है यहीं पे आप घूम सकते हैं, और ये जो पिलर वगैरह जो बनाया गया है यहाँ पे आप ना चढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गार्ड वगैरह रखा गया है, अगर आप चढ़ते हैं तो आपको हटा दिया जाता है उनके द्वारा। और ये था आज का यहाँ का व्लॉग, देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो आप लोग को ज़रूर दिखाते हैं, बने रहे हैं व्लॉग पे। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैंने आप लोग को यहाँ वैशाली का 3 लोकेशन आप लोग को दिखाया, तीनों में से लोकेशन में से कौन सा सही लगता है आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग से एक नए व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।